सो ही गाइस, आज की वीडियो में हम यहाँ पर रुई की पत्ती बनाने वाली मशीन को बनाने वाले हैं। इस मशीन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े का यूज कर रहा हूँ और एक और छोटे टुकड़े का भी यूज कर रहा हूँ। इस छोटे टुकड़े को हम यहाँ पर इसके ऊपर जल्दी से चिपका लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे चिपकाने के लिए ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटा डीसी मोटर का यूज कर रहा हूँ। ये आपको मार्केट में आसानी से 20 रुपए का मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने अब यहाँ पर एक छोटे कार्डबोर्ड के टुकड़े पर एक चार्जिंग सॉकेट और स्विच को लगा दिया है। इसमें एक एक वायर कनेक्ट है। स्विच और सॉकेट में मैंने 2 वायर पहले से ही सोल्डरिंग कर दिया है। अब यहाँ पर जो 2 लेग खाली दिख रहे हैं उसमें हम यहाँ पर एक बीच में वायर कनेक्ट कर देंगे जिससे ही करेंट सप्लाई हो सके। चलिए जल्दी से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने सोल्डरिंग कर दिया है और यहाँ पर अब जो 2 वायर आपको दिख रहे हैं ये हम डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। इसको भी ग्लू की मदद से अच्छी से यहाँ पर चिपका देते हैं ताकि हमारा मोटर इधर उधर ना भागे और इस पर सपोर्ट भी बना रहे। अब यहाँ पर जो 2 मोटर के लिए वायर निकाले थे उसको यहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 3 रुपए वाला जो पेन आता है उसके पीछे का हिस्सा मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर रजाई सिलने वाली निडल का यूज करेंगे। ये काफी आसानी से इसके अंदर फिक्स नहीं हो रही है। इसके लिए हम यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। मैंने ग्लू गन से अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। आप चाहें तो एम सील का यूज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर मोटर में लगा के देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये सही से घूम रहा है। अब मैं यहाँ पर एक और छोटी लकड़ी का यूज करूँगा। इसको कुछ इस प्रकार से चिपकाना है। चलिए मैं ग्लू गन की मदद से इसको चिपका देता हूँ। आप चाहें तो फेविकॉल की मदद से भी चिपका सकते हैं। गाइस, इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक का स्केल लगाऊंगा जिसको पटरी भी बोलते हैं। ये आपके घर में आसानी से होगा। आपने कई बार इसका यूज बचपन पे किया होगा। इसको भी यहाँ पर ग्लू गन की मदद से चिपका देते हैं। गाइस, मशीन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैं इसे चार्जर की मदद से चलाऊंगा। दोस्तों, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर रुई लगा रहा हूँ। अब देखिए कितनी अच्छी से यहाँ पर पत्ती बनना चालू हो गई है। आप यहाँ पर दिवाली पे हाथों से पत्ती बनाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंडों में ही पत्ती बन के तैयार हो चुकी है। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मुझे अच्छे से पत्ती बनाना आ गया है। कितनी अच्छी से हमारी मशीन काम कर रही है। आप इसको घर पर बनाइए और आपने घर पर बहुत सारी पत्तियाँ बना लीजिए। देखिए कितनी अच्छी बत्ती बन गई है यहाँ पर। आप बहुत सारी बत्तियाँ बना सकते हैं इससे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, हैप्पी दिवाली।